क्वेश्चन नंबर 30 देखना बच्चों क्या बोल रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट अल्फा और अल्फा स्क्वायर है क्योंकि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस b अपॉन a होगा और अल्फा इनटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब इक्वल टू c अपॉन a होगा। एक चीज तो ये समझ में आ गई तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस b अपॉन a को और सिंपलीफाई करें तो 1 प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। अब हमें यहां पे क्यूब में दे रखा है तो इसका क्यूब कर दे ये हो गया। इसको सॉल्व करना अल्फा क्यूब तो एज इट इज इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा इनटू 1 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है ना सॉरी 3 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब यही होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस बी है ना तो इसी तरह की दी जाएगी 3 ए बी ए बी ए बी हाँ ठीक है। तो अल्फा क्यूब की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं अल्फा क्यूब की है सी अपॉन ए 1 प्लस सी अपॉन ए प्लस 3 टाइम अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब ये तो यहां से आ गया ठीक है। अब इसको सॉल्व करना कैलकुलेट करते हैं सी अपॉन ए यहां से क्या कॉमन आएगा ए कॉमन आएगा तो सी अपॉन ए तो एज इट इज यहां से ए कॉमन ले लें तो कितना बचेगा ए प्लस सी माइनस थ्री बी इक्वल टू माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब यहां से कट जाएगा तो ए सी इधर आ जाएगा ए प्लस सी माइनस थ्री बी इक्वल टू माइनस का बी क्यूब ए स्क्वायर से कट गया ना तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू माइनस बी क्यूब तो बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू थ्री ए बी सी तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों थ्री ए बी सी चेक करो।